खबर शिवपुरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में लोगों ने आज सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस क्रम में आज शहर के माधव चौक चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने बताया कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर देश के लोगों से स्वच्छता अभियान में एक साथ आगे आने का आह्वान किया था। इसके लिए उन्होंने एक तारीख, एक घंटा, एक साथ का नारा दिया था। आज पूरे देश के साथ जिले भर में भी भाजपा स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज बीजेपी द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है और किस उपलक्ष्य में चलाया गया है? कल 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चे एक साथ एकजुट होकर सभी प्रतिमाओं को धोएंगे, साफ करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सभी चौराहे सुसज्जित हों, सभी सड़कें अच्छी हों, साफ हों, सुथरी हों, मानव जीवन का कल्याण हो, स्वच्छता अपने हाथ में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम भी स्वच्छ रहेंगे, सड़कें भी स्वच्छ रखेंगे, क्रांतिकारी और शहीदों की प्रतिमाएं भी स्वच्छ करेंगे। और इसी तारतम्य में आज हमने शिवपुरी नगर के सभी मुख्य चौराहों पर स्थापित क्रांतिकारी और शहीदों, हमारे भारत के वीर सपूतों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, उनको साफ सफाई भी की है, उनको धोया भी है। और मुख्य चौराहों पर और सभी जगह सफाई अभियान सभी बूथों पर चल रहा है। और ये काम हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सभी जो जगह चिन्हित की गई हैं, सब अपनी अपनी जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।